दोस्तों, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बॉयज के अंदर टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके कारण क्या होते हैं और ये कैसे ठीक किया जा सकता है। तो टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है जो बॉयज के अंदर नॉर्मली 13 यानी 13 साल से लेकर 15 ईयर के बीच में टेस्टिस से बनता है। और ये टेस्टोस्टेरोन जब टेस्टिस से बनता है तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ये अफेक्ट करके, जैसे चेहरे पर असर डालता है तो हम चेहरे बाल आते हैं, बॉय के अंदर आवाज़ भारी होती है, मसल काम करे, मसल डेवलपमेंट अच्छा होता है, बच्चे के बोन स्ट्रांग ब्रॉड बोन बनती हैं, नीचे बाल आते हैं, इसके बाद पेनिस इरेक्शन स्टार्ट होता है और पेनिस का ग्रोथ भी होता है। तो जब भी किसी लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होगी तो उसके चेहरे बाल कम आएंगे, आवाज़ में बॉय जैसे भारीपन नहीं होगा, सॉफ्ट आवाज़ लड़कियों जैसा होगा, उसके मसल्स मास कम होंगे, बोन थोड़ी थिन होगी, बोन स्ट्रेंथ कम होगी, बॉडी स्ट्रेंथ कम होगी, मेंटल कॉन्फिडेंस भी कम होता है, स्ट्रेस एंजाइटी होने लगती है, पेनिस की साइज कम रह जाती है, पेनिस की इरेक्शन कम होता है, बॉडी में हेयर कम होते हैं, लड़कों के अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेक्स कॉन्फिडेंस भी कम होता है। तो टेस्टोस्टेरोन बॉडी के वर्चुअली ईच एंड एवरी ऑर्गन में असर डालता है। तो इवन टेस्टोस्टेरोन कमी में टेस्टिस साइज भी छोटा रहता है, मैं बोला पेनिस साइज छोटा रहता है, टेस्टिस साइज भी छोटा रह सकता है। तो जब भी किसी को ये सिम्टम हैं, इसका मतलब उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है। ब्लड में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है एज टोटल टेस्टोस्टेरोन मेजर करते हैं या फ्री टेस्टोस्टेरोन मेजर करते हैं। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फ्री टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट करता है और बॉडी डिफरेंट ऑर्गन को असर डालता है। तो जब भी किसी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है तो उसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वहाँ से अगर LH और FSH दो हार्मोन होते हैं, LH एंड FSH दो हार्मोन होते हैं, अगर उनकी कमी होगी तो टेस्टिस डेवलप नहीं कर पाएगा, टेस्टिस छोटे रहेंगे, पेनिस छोटा रहेगा, चेहरे बाल कम आएंगे, बॉडी बाल कम आएंगे, मसल मास कम होगी और बॉय की इरेक्शन भी कम हो सकता है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोगोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म, मतलब कि LHFSH की कमी की वजह से उसके अंदर हाइपोगोनेडिज्म है। सेकेंड, पिट्यूटरी से एक हार्मोन के साथ प्रोलैक्टिन, जब भी प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा होगा तो ये टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डाउन कर देता है और पेशेंट के अंदर टेस्टोस्टेरोन कमी हो जाती है। फिर थर्ड कारण होता है कि किसी किसी के टेस्टिस के अंदर डेवलपमेंटल डिफेक्ट होता है, पैदाइशी डिफेक्ट की वजह से टेस्टिस डेवलप नहीं हो पाते हैं, उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन फॉर्मिंग सेल्स, स्पर्म फॉर्मिंग सेल पैदाइशी रूप से नहीं होते हैं। आप सबको बताना चाहूँगा कि बॉयज़ के अंदर जो टेस्टिस डेवलप होता है, नॉर्मली टेस्टिस डेवलप होता है जहाँ है वहीं डेवलप होता है नीचे, बट स्पर्म फॉर्मिंग सेल पेट के अंदर किडनी के पीछे डेवलप होकर के वहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। तो कई डेवलपमेंटल डिफेक्ट में टेस्टिस के अंदर टेस्टोस्टेरोन फॉर्मिंग सेल या उसे बोलते हैं थीका सेल होता ही नहीं है, ये सेल्स जो होती हैं उसके अंदर होती नहीं है। सिमिलरली स्पर्म फॉर्मिंग सेल भी नहीं होती हैं, किसी मरीज में खाली टेस्टोस्टेरोन कमी होती है, किसी में टेस्टोस्टेरोन कमी प्लस स्पर्म कमी दोनों होती हैं। तो जब भी किसी का टेस्टिस साइज स्मॉल है, ब्लड में टेस्टोस्टेरोन लो है, LHFSH हाई है, तो इस कंडीशन में बोलते हैं हाइपर गोनेडोट्रॉपिक। हाइपर मीन हाई, गोनेडोट्रॉपिक गोनेडोट्रॉपिक में LHFSH को बोलते हैं गोनेडोट्रॉपिन। तो हाई LHFSH की वजह से जब टेस्टोस्टेरोन कमी होती है तो इस कंडीशन में बोलते हैं हाइपर गोनेडोट्रॉपिक हाइपोगोनेडिज्म। ये होती है हमारी टेस्टिकल डेवलपमेंट डिफेक्ट हो या किसी किसी में वायरल
मम्स की वजह से टेस्टिस डैमेज आते हैं, या किसी किसी क्रोमोसोम डिफेक्ट होता है, जैसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ट्राइसोमी सिंड्रोम होते हैं, कई सिंड्रोम होते हैं जिसमें टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मिंग सेल और टेस्टोस्टेरोन फॉर्मिंग सेल वो डेड कर जाते हैं, या किसी किसी के अंदर टेस्टिस डेवलप होता है बचपन में और फिर वो अपने आप रिग्रेस कर जाता है ब्लड फ्लो कम होने की वजह से, या कभी कभी टेस्टिस के अंदर कुछ सडन ब्लड फ्लो डाउन हो जाता है ड्यू टू टेस्टिस टॉर्जन, कई कारण होते हैं। फिर क्या होता है कि किसी किसी के अंदर पेट के अंदर एक होता है ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड, तो और एड्रिनल ग्लैंड होगा अगर उसके कुछ हार्मोन डिसऑर्डर से भी बोलते CAH कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, इस बीमारी में भी टेस्टिस छोटे रहते हैं, टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। फिर होता है किसी को अगर HIV हो, किसी को कोई बहुत हैवी एक्सरसाइज कर ले उसे भी टेस्टिस डेवलप प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, या फिर हमारा प्रेडेबिली सिंड्रोम हो, लारेन मोन ब्रिडल सिंड्रोम हो, कई सिंड्रोम में भी टेस्टिस की टेस्टोस्टेरोन प्लस स्पर्म फॉर्मिंग कैपेसिटी कम हो सकती है। फिर कोई एक्वायर्ड कॉज, किसी भी वजह से वेट बढ़ेगा, तो वेट बढ़ने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, जब भी ब्लड में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाता है। इसी तरह इसलिए 30% मोटे लोग के अंदर टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है, या होता है कि डायबिटीज के अंदर कम से कम 20-25% डायबिटीज के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन डाउन होता है। फिर एक कंडीशन कहते हैं एंड्रोपॉज, जैसे जैसे मैन का एज बढ़ता जाता है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन बनाने की कैपेसिटी घटती जाती है, अधिकांश लोगों के अंदर 45 बार टेस्टोस्टेरोन गिरना स्टार्ट होता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन डाउन होगा बट LHFSH नॉर्मल होंगे। बट दुर्भाग्य किसी किसी बॉय के अंदर इवन 20-25 साल के बाद भी एंड्रोपॉज स्टार्ट हो जाता है, जैसे औरतों में मीनोपॉज होता है जिसके बाद उनके फीमेल हार्मोन कमी होती है, और ऐसे ही मर्दों के अंदर एंड्रोपॉज में मेल हार्मोन की कमी स्टार्ट हो जाती है। बट एक और बहुत कॉमन कारण होता है स्ट्रेस, कभी किसी को डिप्रेशन क्रॉनिक स्ट्रेस होगा किसी वजह से, तो स्ट्रेस हार्मोन ब्रेन के अंदर सेक्स हार्मोन को सप्रेस कर देते हैं और उसका टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डाउन हो जाता है, चाहे स्ट्रेस पढ़ाई का हो, चाहे स्ट्रेस सेक्सुअल डिसफंक्शन का हो, चाहे स्ट्रेस हमारे पेनिस छोटा उसका हो, इससे भी टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। प्लस अदर सिस्टम डिसीज, किसी को किडनी प्रॉब्लम हो, लीवर प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, इन सब में भी काफ़ी लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो इस तरह से आपने जाना कि टेस्टोस्टेरोन कमी के कई कारण होते हैं, तो जब भी टेस्टोस्टेरोन कमी के लोग पेशेंट हमारे आते हैं तो पूरा हम डिटेल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, फिर सारे हार्मोन चेक करते हैं, LHFSH, प्रोलैक्टिन, थायराइड टेस्ट, टोटल स्टेरोन, एड्रिनल हार्मोन्स, इंसुलिन हार्मोन, इसके बाद सिस्टमिक बायोकेमिस्ट्री करते हैं, इसके बाद ज़रूरत पड़ने पर उसको टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड या सिर के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसका MRI करते हैं, इसे पता चलता है कि कारण क्या है। इसके बाद टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन आता है, कुछ इंजेक्शन 2 हफ्ते का इंजेक्शन लगाया जाता है, कुछ टेस्टोस्टेरोन डिपो भी आते हैं जो कि 1 in 3 months लगाए जाते हैं, कुछ गोनाडोट्रोपिन इंजेक्शन आते हैं जो कि हफ्ते में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। अधिकांश लोग के अंदर जब हम टेस्टोस्टेरोन थेरेपी स्टार्ट करते हैं तो 4 महीने के अंदर दाढ़ी में आना शुरू हो जाता है, उनके मसल डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, उनका टेस्टिस ग्रो करना शुरू हो जाता है, उनका पेनिस ग्रो करने लगता है, और नॉर्मली 1 से 2 साल के अंदर लगभग सारे सिम्टम डिसअपीयर हो जाते हैं, उनके फुल बियर्ड मुस्टेज आ जाते हैं, मैनली वॉश हो जाता है, मस्कुलर बॉडी हो जाती है, पेनिस नॉर्मल साइज हो जाता है, टेस्टिस ग्रो कर जाता है, और स्पर्म प्रोडक्शन भी नॉर्मली 1.5 से 2 साल में हाइपोगोनोट्रोपिक हाइपोगोनोडी में स्टार्ट हो जाता है, जिससे जो अगर प्रेगनेंसी प्लान करना है तो उनका बच्चा भी हो जाता है। तो अगर आप लो टेस्टोस्टेरोन प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं तो अपना टेस्टोस्टेरोन डेफिशिएंसी का कारण जानें, स्पेशलिस्ट को दिखाएं और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर के 2 साल के अंदर आप पूरी तरह क्योर हो सकते हैं। फिर भी कोई डाउट आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर है 9899
180390 मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है info@diabetesthyroidhormone.com एंड वेबसाइट है www.diabetesthyroidhormone.com।